की बड़ी समस्या को निमंत्रण देता समोकर रेलवे प्लेटफार्म क्रमांक 1 अतः काल के काल में पहुंचाने के लिए दिखलाई देता दमों का प्लेटफार्म क्रमांक 1 आदर्श रेलवे स्टेशन होने के बावजूद भी अनेक प्रकार की असुविधाएं रेलवे प्लेटफार्म पर होने से बनी चर्चा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। आदर्श रेलवे स्टेशन और सुविधाओं का अभाव, ऐसा स्थान जहां असमय काल के गाल में लोगों को पहुंचने का मार्ग प्रशस्त दिखलाई दे रहा हो और जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिखलाई दें, जा सच चुना आपने। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह का रेलवे प्लेटफार्म क्रमांक 1 की, जहां असमय काल के गाल में पहुंचाने के लिए एक रास्ता दिखलाई देता है। प्लेटफार्म क्रमांक 1 जो निर्धारित मापदंड होते हैं उससे काफी नीचा है और इतना गैप आप देख सकते हैं कि ये दिखलाई दे रहा है कि आसानी से एक इंसान नहीं दो तीन इंसान घुस जाएंगे, और होता भी है। समय कम होता है गाड़ियों के स्टॉपेज का और हड़बड़ाहट में लोग जब भागते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, दिव्यांगों की बात करें या बुजुर्गों की, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। यहां पर जिम्मेदार जो सजग पहरे होते हैं वह लगातार इधर से उधर, यानी हम आपको बता दें यहां जो रेलवे सुरक्षा बल होता है वह लगातार उसके कर्मचारी इधर से उधर तोड़ते हैं कोई हादसा ना हो जाए। आदर्श रेलवे स्टेशन इसको बताया गया है पर सुविधाओं का अभाव यहां दिखलाई देता है। फिलहाल में हम वही खबर आपको दिखला रहे हैं जो सामने दिखलाई दे रही है, अन्य खबरें हम आपको समय समय पर दिखलाएंगे और एक एक खामी को उजागर करेंगे। पर प्लेटफार्म क्रमांक 1 लंबा है पर निर्धारित ऊंचाई जो है वह नहीं है और जिसके चलते आए दिन समस्याएं पैदा होती हैं। कौन है जिम्मेदार दुर्घटनाओं के लिए, मौत के आमंत्रण के लिए? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या वह सुविधा लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिस सुविधा का लाभ लेने के लिए वो निर्धारित शुल्क को देकर आगे बढ़ते हैं यात्री? रेलवे पूरा किराया वसूलती है और उस किराया के बदले में क्या मिलता है? ऐसी स्थिति जो सामने दिखलाई दे रही है, घटना दुर्घटना के लिए कौन दोषी है? अभी तक जितनी घटना दुर्घटनाएं हुई उनमें क्या हुआ, किसके ऊपर कार्रवाई हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, प्रश्न उपज रहे हैं, चर्चाएं हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर रेलवे के अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जाएगा कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वह जानबूझ के हो रहा है। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं एक नए समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.